नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और आप सभी का हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये चीज़ बोलूं कि आगे आने वाले 200 या 300 साल में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उन्हें कोल और पेट्रोलियम जो है सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए मिलेगा और यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप इस बात का यकीन करेंगे? आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि जिस तेज़ी से हम ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को लेके आगे चल रहे हैं और जिस तेज़ी से कोल और पेट्रोलियम का यूज़ किया जा रहा है, उस तरीके से तो यही लगता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को कोल पेट्रोलियम यूज़ करने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या किया जा सकता है इस प्रेजेंट जनरेशन के द्वारा ताकि इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको कायम रखा जा सके? और ऐसे कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आज के टाइम में इजाद किए जाएं जिसकी वजह से हम इन कोल और पेट्रोलियम की जो डिपेंडेंस है उसको कम कर पाएं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें जो ना सिर्फ अबंडेंट अमाउंट में हों और बल्कि जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो। तो दोस्तों, आज इन्हीं अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के एक सोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है बायोफ्यूल्स। सो बायोफ्यूल्स के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने में हमारे जो तीन मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनमें कोल, पेट्रोल और ऑयल जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो आगे आने वाले कुछ समय में इनका जो अमाउंट है वो कम होगा। भारत की बात करें तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्योंकि जैसे इंडिया आज के 21वीं सदी में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे बढ़ रहा है, तो उस वजह से कोल और पेट्रोलियम की जो डिपेंडेंस है इंडिया की बहुत ही ज़्यादा है। साथ साथ में अगर बात करी जाए पेट्रोल और डीजल की, तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है और जिसकी वजह से इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द हाइएस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि हमारे देश में पॉल्यूशन के रेट को भी कम किया जा सके और एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को इजाद किया जा सके जो कि हम अपने फ्यूचर आने वाले टाइम में यूज़ कर सकते हैं? तो उसमें हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। ये सारी एनर्जीज जो हैं इनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज के टाइम में और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो नई टेक्नोलॉजी जो हैं इनको हम यूज़ करते हुए इन सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स जो ना सिर्फ पॉल्यूशन को कम करे बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, वो वैसा हमें रिन्यूएबल रिसोर्स बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि कोई एक फ्यूल मैंने जो बनाया वो पेट्रोल और डीजल से 5 गुना ज़्यादा महंगा है, तो आप उस पेट्रोल और डीजल को ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझोगे। तो इसलिए हमें जो फ्यूल्स की प्रोडक्शन करनी है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करना है या उनको हार्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो मिलेगा लेकिन हमें उसकी कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इन सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अगर हम कंपेयर करें बायोफ्यूल्स को, सो ये बहुत ही पोटेंशियल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल्स हैं, इसमें मेहनत कम लगानी पड़ेगी इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए कंपेयर टू अदर फ्यूल्स दिस बायोफ्यूल्स दे हैव गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल। अब ये बायोफ्यूल्स हैं क्या? बायोफ्यूल्स सिंपल भाषा में प्लांट बेस्ड फ्यूल्स हैं जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा
आप सभी इथेनॉल से वाकिफ हैं, स्कूल लेवल से आपने इथेनॉल के बारे में पढ़ा है। तो इथेनॉल एक फ्यूल है या एक लिक्विड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसको हम नॉर्मल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो वही कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हमें प्लांट से मिलती हैं, तो हम उन्हीं प्लांट को यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग और फॉर प्रोड्यूसिंग दैट इथेनॉल विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। और क्योंकि ये जो बायोफ्यूल्स हैं दे आर ग्रीनर फ्यूल्स, इनका कार्बन एमिशन जो है कंपेयर टू हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बहुत ही कम है, इस वजह से इन फ्यूल्स को फ्यूचर फ्यूल्स भी कहा जा सकता है। सो अगर हम कॉमन टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स की बात करें तो उसमें बायोइथेनॉल, बायोडीजल, बायोब्यूटेनॉल और बायोगैस जो हैं, ये चार मेन ऐसे फ्यूल्स हैं जो बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं प्लांट से अगर या क्रॉप्स जो फूड क्रॉप्स हैं उससे अगर मैं बायोइथेनॉल या बायोफ्यूल की प्रोडक्शन करूँ, तो वो क्रॉप्स जो हैं जो खाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनके फूड ग्रेन्स को हम एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, तो अगर हम सिर्फ उसको फ्यूल बनाने के लिए यूज़ करेंगे सो दैट वुड नॉट बी फिजिबल, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ फ्यूल वर्सेस फूड प्रॉब्लम। क्योंकि आगे ही पूरी दुनिया में जो फूड रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, मोस्ट पॉपुलेशन या हम कह लें कि एक पॉपुलेशन का ऐसा हिस्सा जिसको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पाता, तो अगर उसी क्रॉप्स को, फूड ग्रेन्स को अगर हम यूज़ करेंगे फॉर फ्यूल प्रोडक्शन, सो दैट वुड बी इनजस्टिस। तो इसलिए फ्यूल्स को भी हमने कैटेगराइज करा है इनटू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स में। तो जैसे कि मैंने कहा, जो फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स हैं, दीज आर द फ्यूल्स जो हम फूड क्रॉप से, एनर्जी क्रॉप से प्रोड्यूस करते हैं या फूड ग्रेन से प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स हम स्पेशली उन क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी हो रही है फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स की। लेकिन फर्स्ट जनरेशन फ्यूल से जो हमें बायोफ्यूल मिलेगा, इट इज़ नॉट फीजिबल इनफ और इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास नहीं रहेगा जिससे कि हम अपनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकें। तो उसका अल्टरनेट आता है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट, क्योंकि वो वेस्ट जो प्लांट का है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का जो वेस्ट निकलता है, हम उस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, उन वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, ये एल्गा को, जैसे आप सी वीड की आपने उनके बारे में सुना होगा, तो सी वीड जो है जिसको हम एल्गा कहते हैं, उस एल्गा को भी हम एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स वो फ्यूल्स हैं जिसमें कि हम क्रॉप्स को या प्लांट्स को जेनेटिकली इंजीनियर करके उनसे बायोफ्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, और इसमें सबसे बेस्ट जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल्स दे सकते हैं वो सेकेंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो अगर बात करें फीड स्टॉक की, कि कौन से ऐसे फीड स्टॉक हैं प्लांट बेस्ड जिससे हम बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं मास स्केल पे, तो उसमें जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया। जैसे इंडिया, आप सभी को पता है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो उसी के साथ साथ बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी जो है प्रोड्यूस होता है, जो कि फार्मर्स जो हैं उसको जला डालते हैं, बिकॉज उनके पास कोई माध्यम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी फील्ड में ही उन क्रॉप्स को, उन क्रॉप्स के वेस्ट को जला देते। तो क्यों ना उन फीड स्टॉक को, उस वेस्ट को ही यूज़ किया जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। इसी के साथ साथ म्यूनिसिपल जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको भी हम एज ए सोर्स ऑफ बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कांग्रेस ग्रास, जिसको हम पार्थिनियम कहते हैं, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट वीड इन इंडिया। नॉक्शियस वीड है, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करवाती है। अगर इस वीड को, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, अगर इसी वीड को हम यूज़ कर सकें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, दैट कैन ऑल्सो हेल्प अस। वन मोर फीड स्टॉक फॉर बायोफ्यूल इज द प्लांट और ऑयल बेस्ड सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट्स लाइक जेट्रोफा। जेट्रोफा का आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। अब हाल ही में 2-3 साल पहले जेट्रोफा ऑयल के थ्रू बायोफ्यूल जो
प्रोड्यूस हुआ था, उससे हमने एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज को भी उड़ाया था, विच वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अगर हम बायोफ्यूल्स में बायोथेनॉल की बात करें तो बायोथेनॉल की प्रोडक्शन हम लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से कर सकते हैं। लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास एग्रीकल्चरल वेस्ट से ही प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें से जो सेलुलोज कंटेंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद हमें जो शुगर्स मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स लाइक हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज, उसको हम एंजाइम्स की मदद से हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें वो रिड्यूसिंग शुगर्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट मिलता है, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फर्मेंट करके बायोथर्मल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत में बायोफ्यूल्स के करंट स्टेटस की बात करें तो 2018 में भारतीय सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक जो बायोथेनॉल है उसको 20% ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ, और बायोडीजल 5% उसकी ब्लेंडिंग डीजल के साथ की जाएगी। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के द्वारा ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए भारत में इस्टेब्लिश किया जाए, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से रिसर्च और डेवलपमेंट जो बायोफ्यूल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा भारत में नहीं है एट प्रेजेंट, उसको भी और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। और साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी आगे आने वाले कुछ समय में, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में बायोथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें कि इथेनॉल कितना प्रोड्यूस होता है हमारे देश में, तो 2013-14 के फिस्कल ईयर में भारत ने 380 मिलियन लीटर्स जो इथेनॉल है उसकी प्रोडक्शन की थी, विच हैज़ बीन इंक्रीज टू 1.5 बिलियन लीटर्स इन 2019 एंड 20। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो प्रेजेंट फिस्कल ईयर है 2021-22 का, इसमें 3.5 बिलियन लीटर्स की प्रोडक्शन भारत कर सकता है इथेनॉल की। सो अगर हम बात करें मेन जो रॉ मटेरियल या जो फीड स्टॉक एट प्रेजेंट यूज़ किया जा रहा है जो है इंडियन शुगर केन, बिकॉज आपको जैसे को पता है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, तो बहुत सारा जो वेस्ट है वो शुगर केन का हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है, और शुगर केन का जो मेन वेस्ट जैसे मोलासिस जो है उससे एट प्रेजेंट इथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन शुगर केन के और बहुत सारे वेस्ट हैं जैसे शुगर केन टॉप्स, शुगर केन बगास, इनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द फ्यूचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। और जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की ज़्यादा इस समय डिमांड है, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक पूरा सोल्यूशन हमें मिलेगा उससे, तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा इस समय गवर्नमेंट का फोकस है। तो अगर हम बायोडीजल की सप्लाई या प्रोडक्शन की बात करें तो 2015 में जो टोटल प्रोडक्शन बायोडीजल की थी वो 11.9 मिलियन लीटर्स थी, जो कि इंक्रीज होते होते 105 मिलियन लीटर्स तक 2019 में इंडिया ने उस बायोडीजल को प्रोड्यूस किया। और रिसेंटली इस अगर साल की बात करें, 2021 की बात करें, जो ब्लेंडिंग का टारगेट इंडिया लेके चल रही है एट प्रेजेंट 10%, तो इंडिया ने एट प्रेजेंट पिछले चार महीनों में 7.2 जो परसेंट है वो ब्लेंडिंग इस समय करी है, और उसमें जो बहुत सारे स्टेट्स हमारे भारत के हैं जैसे गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने बायोथेनॉल प्रोडक्शन सरप्लस अमाउंट में कर रहे हैं। और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ समय में बहुत सारे हमारे और स्टेट्स भी इसमें बायोथेनॉल प्रोडक्शन की पॉलिसी को अप्लाई करेंगे और इथेनॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में करेंगे। सो अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ बायोफ्यूल्स की, जो पूरे दुनिया में इस समय बायोफ्यूल की प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कंपेयर करें हमारे भारत में जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ, तो इस समय पूरे अगर साउथ एशिया या एशियन पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसमें जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, ये दो कंट्रीज़ एशियन रीजन में ऐसी हैं जो कि बायोथेनॉल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। इसके साथ साथ मलेशिया, थाईलैंड, ये कुछ ऐसे छोटे देश हैं जो कि बायोथेनॉल प्रोडक्शन जो है सफिशेंट अमाउंट में करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इथेनॉल की प्रोडक्शन करता है, बायोथेनॉल की प्रोडक्शन करता है। सो 2020 में यूएसए ने 16.5 बिलियन यूएस लिक्विड गैलन्स इथेनॉल की प्रोडक्शन की, जो कि एक अपने आप में बहुत ज़्यादा अमाउंट है, और
अगर बात करी जाए ब्राज़ील और यूएसए की, तो पूरी दुनिया में जो 90% सिर्फ फ्यूल है, बायोफ्यूल जो है उसकी प्रोडक्शन ये सिर्फ ये दो देश करते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों देशों के पास बायोएथेनॉल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जो यूएसए है वो मेनली सोयाबीन और कॉर्न की जो क्रॉप्स हैं उनको यूज़ करता है। सोयाबीन को वो बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ करते हैं और कॉर्न को जो है बायो इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में 27% की जो ब्लेंडिंग है एट प्रेजेंट इथेनॉल की, वो पेट्रोल के साथ करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने फ्लेक्स इंजन कार्स भी डेवलप की हुई हैं, जिसकी वजह से वो जो कार जो है वो एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और वो कम से कम फ्यूल को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी वो प्रोवाइड करती हैं। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना जो है भारत के साथ बिल्कुल नेक टू नेक इस समय चल रहा है। एशियन पैसिफिक रीजन की अगर बात करें, तो चाइना इस समय नो डाउट भारत से थोड़ा सा आगे है, लेकिन इन द कमिंग टाइम इट इज़ होपफुल दैट इंडिया विल ऑल्सो बी वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु विल बी प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो अगर चाइना की बात करें, इन्होंने भी एक बायोफ्यूल पॉलिसी जो है 2020 में इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये इथेनॉल प्रोडक्शन को आगे आने वाले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा सरप्लस अमाउंट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सकता है और इन इनको किसी भी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो हमें बाकी जो देश हैं जो सरप्लस अमाउंट में इथेनॉल की या बायोफ्यूल की प्रोडक्शन करते हैं, हमें उनसे क्या लेसन लेने चाहिए और व्हाट शुड इंडिया डू फॉर प्रमोटिंग हायर अमाउंट ऑफ बायोइथेनॉल प्रोडक्शन, तो इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमारी भारतीय सरकार को बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे जैसे कि बायोफ्यूल पॉलिसी की बात करें, वो पॉलिसी अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, तो नो डाउट आगे आने वाले 10 या 20 सालों में हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन हो सकती है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज और अकेडमिया, इनकी पार्टनरशिप बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी हमारी कंट्री में बायोइथेनॉल के या बायोफ्यूल के रिलेटेड हो रहा है, उसे हमें मास लेवल पे अगर ले जाना है, तो इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम इथेनॉल की प्रोडक्शन या बायोफ्यूल की प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा एक मायने रखता है इस बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन में, जिसमें कि इंडस्ट्रीज को डेवलप अगर करना है तो उसमें गवर्नमेंट की सहायता भी ली जा सकती है। तो अगर हम बायोफ्यूल की बात करें, तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा अगर भारत के कंटेक्स में बात करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंडिया में बहुत ही सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि अनयूज रहता है। या तो उसको फार्मर्स बर्न करते हैं, या तो वो एक तरह से डिस्टरबेंस कॉज करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो बायोफ्यूल की प्रोडक्शन से हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं या जो एग्रीकल्चर रिफ्यूज है, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ बेटर मैनर टू प्रोड्यूस बायोएथेनॉल। सो इससे ना सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट होगी, बल्कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत सारा फायदा मिलेगा और बूस्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को और हमारी जीडीपी को। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये बायोफ्यूल से एक ऐसा रिसोर्स माना जा रहा है जो कि हमारी एनर्जी क्राइसिस जो अभी हम फेस कर रहे हैं उसको पूरा कर सकता है। तो वी आर होपफुल दैट इन द नियर फ्यूचर आवर कंट्री विल बी प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल, सो दैट वी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज लाइक यूएसए और ब्राज़ील। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे। अगले किसी लेक्चर में किसी नए टॉपिक पे वी विल डिस्कस। टिल देन, गुड बाय। द बीट्स फॉर यू नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। विजिट इट्स वेबसाइट द बीट्स फॉर यू .com।